मुझे याद है कि जब मैंने जो फिल्म डायरेक्ट की, प्रोड्यूस किया, एक्ट किया फतेह, जब उसकी शुरुआत हुई थी तो बाबा महाकाल के दर्शन से ही शुरुआत हुई थी उसकी। और आज अभी एक महीना बचा है फिल्म की रिलीज़ के लिए, 10 जनवरी को रिलीज़ होने वाली है। और सबसे पहले जो हम लोग कर रहे हैं इसकी प्रमोशंस, सबसे पहले मैंने बोला कि महाकाल बाबा के दर्शन करूँगा और उसके बाद उनके आशीर्वाद से आज जो होगा प्रमोशन शुरू होगी। और बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे दर्शन करके, बस बाबा से ही दुआ मांगी है कि फतेह की फतेह ज़रूर हो। किस तरह की फिल्म आपकी आने वाले समय में आने वाली और क्या? ये कोरोना के दौर में जब मैं लोगों की मदद कर रहा था तो बहुत सारे लोगों के साथ साइबर क्राइम हो रहा था, पैसे निकाल लेते थे उनके बैंक अकाउंट से, फेक लोन ऐप्स दिए जाते थे, तो हमने बहुत सारे लोगों की मदद की और उसी सब्जेक्ट को उठा के ही ये फिल्म बनी थी फतेह। और ये आम जनता की फिल्म है बट एक एक्शन फिल्म है। आपने धर्म को लेकर काफ़ी कुछ किया है, संतों का कहना है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इसलिए आपका कुछ कहना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि हमें, हम आज महाकाल के यहाँ पर आए हैं और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि देश के लिए सबके लिए जगह है हिंदू राष्ट्र। ऑफकोर्स यू नो, हम लोग सब मानते हैं, पर मुझे लगता है कि हमें अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, किस जाति से करते हैं, जब तक आप इंसानियत के लिए काम करते रहेंगे बिना पूछे कि आप किस धर्म के हैं, कौन है, तो मुझे लगता है हमारा जो देश है और इंसानियत हमेशा बरकरार रहेगी। थैंक यू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.